Raising poll pitch in Maharashtra's Dindori, Congress Vice President Rahul Gandhi accused Narendra Modi government of removing the cap on prices of medicine treating cancer that would cause its treatment very expensive. Congress Vice President Rahul Gandhi today addressed an election rally in Maharashtra's Dindori, where he trained gun at Prime Minister Narendra Modi's US visit, saying that BJP is trying to directly transfer the money from pockets of poor to industrialists by removing cap on prices of medicine. Justifying his allegation, Nehru Gandhi's scion said, now the drugs for treating cancer that used to cost rupees 8,000 would be available for rupees 1 lakh. हमने इस दर्द को पहचाना, इस दुख को पहचाना और अस्पताल के दरवाजे आपके लिए खोले, मुफ्त में आपको दवाई दी। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार ने क्या किया? मोदी जी का दौरा था, अमेरिका जाना था उनको। अमेरिका के उद्योगपति आए, मीटिंग हुई, बंद कमरे में पहले मीटिंग हुई, जाने से पहले मीटिंग हुई और उनके उद्योगपतियों ने कहा, देखिए हमें हिंदुस्तान में अपनी दवाई बेचनी है, आप यहां पे दवाइयों के दाम को रिस्ट्रिक्ट करते हो, ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है इसको आप हटा दीजिए। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, अखबार में नहीं आया, बंद कमरे में कागज साइन हुआ और जो आपको 8,000 रुपए में कैंसर की दवाई मिलती थी पहले, आज आपको 1,00,000 रुपए में मिलती है। Promising poll sops, Gandhi asked voters to cast their franchise in favor of a party that works for poor. गरीबों की सरकार बनाइए, कमजोर लोगों की सरकार बनाइए, हम आपको घर देना चाहते हैं, मुफ्त में दवाई देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई, उद्योगपतियों की यहां आप सरकार मत बनाइए, उद्योग लगने चाहिए मगर सरकार आपकी बननी चाहिए, कमजोर लोगों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार बननी चाहिए। Powered by NNIS.